हे हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी रिसेंटली हमने टॉप 10 ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 5000 का वीडियो डाला था। सब कुछ क्लियर किया है, प्रॉस कॉन सब कुछ बताया है और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। इवन काफ़ी लोगों ने कमेंट करके वहाँ पे एक कॉमन क्वायरी हमसे शेयर की थी कि एक्चुअली में कॉलिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। वैसे मैंने हर एक का कॉलिंग सेगमेंट कवर अप किया हुआ था, बट स्टिल यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट है, तो वही डाउट का कन्फ्यूजन एंड करने के लिए ये वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में मैं आपको जो हमने टॉप 10 टीडर्स अंडर 5000 दिखाए थे उनमें से मैंने 5-6 टूली वाले ईयरबड्स चूज़ कर लिए हैं और अब आपको दिखाऊंगा एक्चुअल के अंदर कॉलिंग के हिसाब से कैसा परफॉर्म करते हैं। पहले मैं कुछ उन टीडर्स को यूज़ करूंगा जिनको मैं कॉलिंग के हिसाब से सही नहीं मानता हूं। लेनोवो SC10 है, बोट 491 है, नॉइस शॉर्ट X5 Pro है। लेनोवो के अंदर नॉइस कैंसिलेशन है बट लाउडनेस नहीं मिलती है। नॉइस X5 Pro में भी आपको सेम चीज़ मिलती है। बोट 491 में लाउडनेस है बट नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता है। इवन जो इनको मैं अच्छा कहता हूँ वो है ये ओप्पो एनको W31 MI Truly Wireless 2 RealMBuds Air, जो कॉलिंग के हिसाब से ही प्रॉपर वर्क करते हैं। सबसे बेस्ट वे यही होगा कि एक्चुअल में आपको इन सब के जो मैंने आपको 6 के 6 नाम बताए हैं, RealMBuds Air, MI Truly Wireless 2, ओप्पो एनको W31, नॉइस X5 Pro, Lenovo SC10 और लास्ट बोट 491, सबका एक लाइव कॉलिंग टेस्ट दिखा दूँ और आप खुद जज कीजिएगा। जज आप होने वाले हैं और वीडियो के एंड के अंदर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे कौन परफॉर्म करके गया है, ताकि जो बाकी व्यूअर्स हैं उनको भी प्रॉपर आइडिया लग सके। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो लेट्स सी एक्चुअल में लाइव कॉलिंग टेस्ट में कैसे परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये जो आवाज सुन रहे हो, यहाँ पे मैं रूम के अंदर हूँ। आप मान लीजिए रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर, आप जब इंडोर कंडीशन में होंगे, कार के अंदर होंगे, तो आपके पास आगे कैसे जाएगी इसका आइडिया आपको इजीली इस टाइम में लग जाएगा कि एक्चुअल में आपके आवाज आगे कितनी लाउड जाती है, कितनी क्लियर जाती है। पर जब बात आती है रूम से बाहर की, जी हाँ, जब हम चलते हैं रूम से बाहर आउटडोर कंडीशन में, तब यहाँ पे ये बोट 8049 एक सैंपल थोड़ा हम देख लेते हैं। मैं कहता हूँ मैं छत पे चलता हूँ, जी हाँ, ताकि यहाँ पे हल्की जो पीछे की हवा है और जो पीछे ट्रैफिक में से जो गाड़ी जा रही है उसके तो आपको क्लियर लगता है। एक्चुअल में यहाँ पे जो मेरी आवाज़ है वो आगे कितने लाउड पहुँचती है, स्पेसिफिकली बात करेंगे जब आउटडोर कंडीशन के अंदर। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं छत के ऊपर आ गया हूँ, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं यहाँ पे और जो हल्की बहुत हवा है, हल्की भी चल रही है। मान लीजिए ट्रैफिक की बात करते हैं तो एक जगह बाइक वाइक यहाँ से गुजर रही है, पर ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। और इस टाइम पे आपको ये लग जाएगा एक्चुअल में बोट 8049 आपको कैसे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और जो नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है, लाउडनेस है, वो आपको छोटा मोटा कहीं ना कहीं सर्वे इजीली आइडिया लग जाएगा। तो ये जो आवाज़ सुन रहे हो यहाँ पे लेनोवो SC10 से रिकॉर्ड की जा रही है। जी अभी मैं रूम से बाहर हूँ, आप मान लीजिए हल्का बहुत आउटडोर कंडीशन आ रही है, यहाँ के लिए ये सैंपल काफ़ी है। और यहाँ पे ट्रैफिक की बात करता हूँ, पीछे यहाँ पे कुछ एक दो गाड़ियाँ ही गुजर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैफिक के नाम से कुछ यहाँ पे बाइक पर जा रही है, हल्की बहुत हवा अभी चल रही है। इस टाइम पे जब यहाँ पीछे हल्की बहुत हवा चलेगी, कुछ यहाँ पे हल्का बहुत ट्रैफिक होगा पीछे के अंदर, आपके आवाज़ आगे कितनी लाउड जाती है, कितनी क्लियर जाती है और नॉइस कैंसिलेशन कैसा वर्क करता है इसका आइडिया आपको इजीली सैंपल तो लग जाएगा। और एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए कि एक्चुअल में आगे वाला इंसान आपकी आवाज़ कितनी क्लियर सुन पा रहा है, उसके लिए आई थिंक ये सैंपल सफिशियंट है कि एक्चुअली नॉइस कैंसिलेशन क्लियरिटी और जो लाउडनेस है वो आपको यहाँ पर किसमें यहाँ देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो आप सुन रहे हो हम यहाँ पे ये नॉइस शॉर्ट्स X5 Pro से रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे हवा चल रही है, ट्रैफिक के नाम पे पीछे से एक बाइक भी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, मैं भी नहीं निकल रहा हूँ और आपको पता चल जाएगा हवा कैसे चल रही है। और आई थिंक यहाँ पे ट्रैफिक के अंदर, लाइट ट्रैफिक के अंदर जब सड़क की बहुत हवा चलेगी उस टाइम पे नॉइस X5 Pro कैसा वर्क करने वाला है इसका आइडिया आपको सैंपल के थ्रू ईजिली लग जाएगा। जी हाँ, हवा हवा के थ्रू और जो आवाज़ वगैरह पिच वगैरह है वो कैसी आ रही है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि आप लाइट ट्रैफिक में हो, उससे हम कंडीशन की बात करते हैं, मान लीजिए ऑफिस के अंदर है वहाँ पर कैसा परफॉर्म करेगा वो हम चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे नीचे भी चल रहे हैं, अभी हम यहाँ पे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कूलर चल रहा है और जो बैकग्राउंड की नॉइस वगैरह है, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है इसका वजह लग जाएगा कि एक्चुअल में बैकग्राउंड में कूलर चल रहा हो इस टाइम पर आपकी आवाज़ आगे कैसी जाती है, कितनी लाउड कितनी फूले जाती है। कूलर के सामने चल के देखते हैं कि हवा की आवाज़ से आपके लिए आवाज़ कूलर चल रहा है और अब आपको लग रहा होगा एक्चुअल में कूलर के सामने कैसा परफेक्ट लग रहा है और प्रॉपर आ जाने के लिए ये सफिशियंट है। या आप कूलर के टाइम पर चलते हुए बात कर सकते हैं
उसका ये लग जाएगा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप इंडो कंडीशन चलिए नीचे से देखते हैं एक्चुअली रूम के अंदर ये कैसा परफॉर्म करने वाला, कैसा वर्क करने वाला है। हम रूम में आ चुके हैं, मान लीजिए ऑफिस होता है यहाँ पे, सिर्फ एसी वगैरह चल रहा होता है, उस टाइम पे कैसा वर्क करेगा, अभी जो आवाज़ सुन रहे हो उसका आपको आइडिया प्रॉपरली लग जाएगा। उसे ये जो आवाज़ सुन रहे हो, हम यहाँ पे एकदम रूम के अंदर है जी हाँ। यहाँ पे मान लीजिए ऑफिस का एनवायरमेंट होता है जहाँ पे बिल्कुल आवाज आवाज नहीं आती है, एसी चल रहा होता है उस टाइम पे है, और यहाँ पे आपको आइडिया जाएगा एक्चुअल में क्वालिटी कैसी आ रही है। बट वेट, अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं जी। आप मान लीजिए अभी घर में कूलर वूलर चलते रहते हैं, तो कूलर के टाइम पे जो आपकी आवाज़ वगैरह आगे कैसी आएगी, नॉइस कैंसिलेशन है कैसे वर्क करेगा, तो उसका आइडिया निकले हम यहाँ पे हॉल में आ गए। यहाँ पे कूलर चल रहा है बट कूलर थोड़ा दूर है, तो एक बार कूलर के पास चल के देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर वहाँ पे मैं आपकी आवाज़ कैसी आने वाली है, ताकि हमको प्रॉपर आइडिया कर सके। तो मैं कूलर के पास चल रहे हैं और चलिए चलते रहते हैं कूलर के पास। हम कूलर के सामने आ गए हैं और अब आपको लग जाएगा एक्चुअल के अंदर कूलर के सामने, आप जब सामने खड़े हो टाइम की आवाज़ कैसी आ रही है, कूलर पर पंखा सामने चल रहा है, तो अब इस टाइम पे आपकी आवाज़ आगे कैसी जा रही है, नॉइज कैसे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका लग गया होगा। बट सबसे बेस्ट है कि हम यहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे चलते हैं और फिर चेक करेंगे जो आवाज़ वगैरह है, नॉइज कैंसिलेशन है, हल्का मुझे ट्रैफिक वगैरह होगा जी हाँ, उस टाइम पे कैसा वर्क करने वाला है। तो चलिए हम ऊपर भी चलते हैं, और वैसे यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और जो हवा है वो भी चल रही है, आपको बालों को देख पता चल गया होगा। चलिए ऊपर आ गए हैं, वैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इतना ट्रैफिक वगैरह है नहीं, बट फिर भी हल्का बहुत जो हवा वगैरह, तो जो विंड की नॉइस वगैरह होती है उसका आपको आइडिया देख के लग जाएगा। इवन ये जो फ्लैग है इसके तो आपको आइडिया लग जाएगा एक्चुअली हवा कैसी चल रही है। और ट्रैफिक की बात करता हूँ, ट्रैफिक बिल्कुल कम ही है, एक बाइक जो गुजर रही है, लॉकडाउन चल रहा है सबको पता है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड की नॉइस है, जो हवा की आवाज़ है वो कैसी आ रही है, कैसी नहीं आ रही है, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, लाउड आ रही है, उसका आइडिया को प्रॉपर लग जाएगा। और जो नॉइज़ कैंसिलेशन है, इन्वायरमेंटल जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो कैसा वर्क कर रहा है, उसका आइडिया लगाने का आई थिंक ये सिंपल सफिशिएंट है। तो हमारे पास ये ओप्पो एनको W31 है जी हाँ। अभी हम इसका यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन देख रहे हैं, अभी मैं रूम के अंदर हूँ और यहाँ पे कॉलिंग आपको पता चलेगा एक्चुअली रूम के अंदर, जब आप यहाँ पे ऑफिस के अंदर यहाँ पे सिर्फ एसी चल रहा होगा, फैन चल रहा होगा, उस टाइम पे आपकी जो आवाज़ है जहाँ पे बिल्कुल जो बैकग्राउंड है बिल्कुल एकदम शांत होता है, वहाँ पे ऑफिस रूम कार के अंदर आपकी आवाज़ आगे कैसी जाएगी। बट वेट, थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्के से जहाँ यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन देखने का प्रॉपर मौका मिले, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे रूम में चलते हैं जी हाँ। यहाँ पे अब उस रूम में आ गए जहाँ पे हमें कूलर चल रहा है, तो बैकग्राउंड में अगर आपको कूलर की आवाज़ सुनाई दे रही है मीन्स नॉइज कैंसिलेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है और आपको आइडिया लग जाएगा। अब हम डायरेक्टली कूलर के सामने आके चेक करेंगे एक्चुअल के अंदर जो हवा वगैरह है, अगर वो ज़्यादा तेज चल रही हो उस टाइम पे जो आवाज़ है आज कैसी आएगी, कितनी लाउड जाएगी। कूलर के सामने आ चुका हूँ और जिस टाइम पर आपको मेरी आवाज़ आ रही है मीन्स जो ये नॉइज कैंसिलेशन वगैरह है प्रॉपर वर्क कर रहा है, बैकग्राउंड जो ग्रीन इफेक्ट वगैरह होते हैं उसका आपको आइडिया धीरे लग जाएगा। अभी हमारा ये जो कॉलिंग टेम्पल है ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा बाहर चलते हैं ट्रैफिक के अंदर। और चलिए तो हम यहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे चलते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है वैसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा, बट लकीली अभी इवनिंग का टाइम है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाने लग गया, कुछ ज़्यादा बाइक वैक गुजर रही है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। आउटडोर कंडीशन है जब लाइट ट्रैफिक वगैरह होता है उस टाइम पे जी हाँ, ये जो नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह है कैसा प्रॉपर वर्क करने वाला है, क्या आप आगे इंसान से बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक उसका आइडिया देने के लिए ये सैंपल सफिशिएंट है। कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअल के अंदर आउटडोर कंडीशन के अंदर वैसे भी यहाँ पे हवा हवा नहीं चल रही है जी हाँ, नॉर्मली हवा तेज़ चलती है, भी इवनिंग का मौसम है, वो जो ट्रैफिक है हल्का बहुत है, तो आप आइडिया लगा लीजिएगा कि एक्चुअल नॉइज़ कैंसिलेशन के हिसाब से आपके लिए वर्केबल है कि नहीं है। तो पीछे से बाइक की आवाज़ आई होगी और आपको लग गया होगा, ये सैंपल यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों ये जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे हम रियल एम्बर्स एयर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये जो एनवायरनमेंट आप मान लीजिए ऑफिस का एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट, रूम का, कार का एनवायरनमेंट, जहाँ पे बैकग्राउंड में कोई भी साउंड नहीं आती है जी हाँ, सिर्फ यहाँ पे रूम में पंखा चल रहा है, मान लीजिए आप एसी की आवाज़ है वो भी बिल्कुल कम होती है, तो उस एनवायरनमेंट का आइडिया आपको इजीली लग जाएगा कि एक्चुअल में वहाँ पे रियल एम्बर्स एयर के थ्रू आवाज़ कैसी आती है, कितनी लाउड आती है, कितनी क्लियर आती है। दोस्तों बाहर चलते हैं, आप मान लीजिए रूम में कूलर वूलर चल रहा हो उस टाइम पे आपकी आवाज़ आगे कैसी आएगी, क्या आप आगे उनसे से बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रूम में कूलर चल रहा है और आपको लग रहा होगा अभी इस टाइम पे मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, बैकग्राउंड में कूलर की आवाज़ कितनी इम्पैक्ट कर रही है, और कूलर के सामने आके देखते हैं एक्चुअल में जो विंड वगैरह होती है उसके थ्रू क्या होता है। चलिए आपको सामने
वापस एक्चुअल में मेरी आवाज कैसी आती है। अब आगे बढ़ते हैं जी हाँ, चेक करते हैं कि एक्चुअल के अंदर आप मान लीजिए आप घर से बाहर निकलते हो, आउटडोर कंडीशन में जाते हो, उस टाइम पे आपकी आवाज कैसी आएगी। जी हाँ, उसके लिए मैं आउटडोर कंडीशन में आना पड़ेगा। तो मैं सबसे टॉप फ्लोर पे चलता हूँ और ध्यान रखिएगा अभी लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह इतना नहीं होगा। तो मेन जो पर्पज है थोड़ा बहुत आइडिया देने का है ताकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए एक्चुअल में आउटडोर कंडीशन के अंदर कैसा परफॉर्म करने वाला है। और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है पर चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ा बहुत इतना कर सकते हैं। ऊपर चलते हैं, पीछे से भी यहाँ पे एक बाइक गुजर रही है, ट्रैफिक लगे हुए इस टाइम पे और इसके से कैसा होता है। ओके, तो हम छत पे आ गए हैं, हवा हल्की बहुत चल रही है, ज्यादा नहीं चल रही है बस स्टिल थोड़ा बहुत आपको लग जाएगा एक्चुअली एनवायरमेंट जो नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है वो कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। हवा के टाइम पे मान लीजिए आउटडोर कंडीशन बात आएगी, उस टाइम पे रियल में बस एयर कैसा परफॉर्म कर पाएंगे इसका आइडिया देने के लिए आई थिंक ये सैंपल सफिशियंट है। लाइट ट्रैफिक का प्रॉपर आइडिया तो नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी वगैरह है इतनी ट्रैवल नहीं कर रही है। अभी एक कार आ रही है बट जरूरी है कि वो हॉर्न दे, बट हल्का बहुत आइडिया लगाने के लिए आई थिंक ये सैंपल सफिशियंट है कि एक्चुअल में रियल में बस एयर कॉलिंग के साथ कैसा परफॉर्म कर देते हैं। तो चलिए सैंपल यहीं खत्म कर देते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 6 सैंपल सुना दिए हैं, आपको प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में कॉलिंग के हिसाब से कौन कैसा परफॉर्म करके गया है और आप खुद समझदार हैं। एक और चीज़, जब कॉलिंग की बात आती है तो वहाँ पे आप क्लियरिटी देखिए आपकी आवाज़ कितनी क्लियर जा रही है, सेकंड लाउड जा रही है नहीं जा रही है, थर्ड जब आती है आउटडोर कंडीशन की तो उस टाइम पे जो नॉइस कैंसिलेशन है कितना प्रॉपर वर्क करता नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, पीछे ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा आती है नहीं आती, हवा की आवाज़ ज़्यादा आगे सुनाई दे रही नहीं दे रही है, उसके बिहाफ में आप इजीली जज कर सकते हैं। और आई थिंक आपने अभी तक आइडिया लगा लिया होगा कि एक्चुअल में एज पर आपकी रिक्वायरमेंट कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैंने आपको इंडोर कंडीशन आउटडोर कंडीशन दोनों दिखा दिया है और आई थिंक यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अंडर 5000 के आपने लाइव कॉलिंग टेस्ट देखा होगा और अब आप खुद जज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा यूनिक पैटर्न यूनिक चीज़ मैं लेके आता रहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, ये सब चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है इन आइडियाज़ पे वर्क करने के लिए, देखने में इजी लगता है बट रियलिटी बड़ा हार्ड होता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफ़ी बार लोग वीडियो को लाइक कर देते, कमेंट कर देते, पसंद करते हैं बट मेरे वर्क के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए इंक्लूडिंग यू, तो प्लीज़ अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। आज के बस इतना ही, जाने से वालों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके बेस्ट परचेस प्राइस लिंक अवेलेबल है, आपको कोई परचेस करना है आप डायरेक्टली वहाँ से प्राइस चेक करके इजीली परचेस कर सकते हैं। इवन काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, हो सकता है कुछ आपके लिए यूज़फुल मिल जाए। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी इस टाइम पे घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।